कैसे हैं आप सब? दिस इज़ मी सरफ चौधरी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप्स आप ठीक ठाक होंगे, हरियर से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आई हूँ फोर्ट्रेस, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने यूट्यूब फैमिली को अपने साथ लेके जाती हूँ और वहाँ जाके मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो अभी तो मैं इधर बाहर खड़ी हूँ जेदी रेस्टोरेंट के सामने, तो बाकी मैं आपको सारा घुमाती हूँ, आ जाए मेरे साथ। मौसम बहुत ही कमाल का है, कहाँ जाना है? चलो यहाँ से निकल रहे हैं। मैं वैसे ना अभी एक शॉप पे गई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? हद हो गई है, लेकिन क्या करूँ, अब हर जगह तुरंत लड़ाई लेनी है। ब्लॉग बना रही हूँ, लाइव लाइव तो नहीं मैं आपको दिखा सकती थी। अभी हम जाएंगे कारेफोर। कारेफोर में भाई भाभी वगैरह सारे उधर गए हुए हैं, मैं इधर आ रही हूँ, तो वहाँ जा रही हूँ, मैं इधर जा रही हूँ। तो वहाँ जाके अब मैं खाऊंगी सैलेड। वैसे मुझे तो वैसे ना इंजॉयमेंट में बहुत मज़ा आ रहा है। सारे कपड़े यहाँ पर लगे हुए हैं शादियों वाले, कोई भी यहाँ पे कैजुअल कपड़े नहीं लगे हुए, चमचमाते कपड़े यहाँ पर भी हैं। ट्रैक करना शुरू हो गई हूँ। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज। ओके, नीरज एथलेटिक्स। रियली? अब हम जा रहे हैं फोर्ट्रेस केयर, तो आ जाए मेरे साथ। वैसे पास ही है, आ जाए। कट जाएगा सफर साथ मेरे, क्या सबसे अच्छा जो है ये, मुझे सबसे अच्छी जगह मुझे यही लगती है, फोर्ट्रेस की मुझे सबसे अच्छी जगह लगती है। मुझे नहीं पता कि तनीम मेरी बातों पे हंस क्यों रही है। मैं एक स्टोरी पे, मतलब एक किसी को देख के हंसी, मैं किसी को देख कर हंसी। अब ये किसको देख के हंस रही है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरी स्पीड इस टाइम बहुत फास्ट है, क्योंकि मैं साथ साथ बना रही हूँ ब्लॉग। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं क्यों हंस रही हूँ। अब जो ये ब्लॉग देख रहे हैं और जो वीकेंड के फोटोज आते रहते हैं, वो ज़रूर समझेंगे कि मैं क्यों हंस रही हूँ। डेटर्स पे हंस रहे हैं क्या? वैसे ना क्या उनकी लाइफ है, प्यार मोहब्बत है, तो क्या कर सकते हैं। अब मैं बैठी हूँ फोटो स्केयर के बाहर और मैं बात करती यहाँ पर डेटर्स की। तो मैं यहाँ पर हर कोने पे एक ना एक आधा डेटर ज़रूर देख रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आती है कि घर में इनकी जो आवाज़ें होती हैं ना, मतलब कि घर से बाहर जा रही होती हैं, और यहाँ पर यह इतनी स्लो बातें कर रहे हैं, इतनी स्लो बातें कर रहे हैं कि शायद दूसरों को भी समझ आ रही कि नहीं आ रही है। एनी वेज, उनकी लाइफ में इंटरफेयर क्यों करूँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि डेटर शेटर छोड़ो। अगर आप लोग सही मायने में इंटरेस्टेड हो और आपको पसंद है लड़कियां लड़का, तो चंगी तरह जाओ, अपने घर वालों से बात करो और अपने घर वालों को भेजो, ताकि आप लोग एक कमिटमेंट, जो आपका एक रिलेशन होता है, उसको आप एक स्ट्रांग रखो। ये नहीं कि डेटे मारते रहो तो चलो जी, ये कोई, मुझे लगता है कि ये सबसे फजूल काम है डेटे मारना। इतना प्यारा मौसम है और मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, और मैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी हल्की हल्की हवा, हल्की हल्की प्यारे प्यारे मीठे मीठे मौसम में मुझे इन्जॉयमेंट करने का बहुत मज़ा आता है। और मैं इस टाइम अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी भांजी है, तो आप ये मत समझो कि मेरे साथ भी कोई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस टाइम मेरे साथ मेरी भांजी तो नहीं, नहीं आप हेलो हाय बोल दो ना। हेलो हाय है, हेलो हाय बोल दिया उसने। तो
यही मेरी डेटर है, तनीर ही मेरी डेटर है, मेरी भांजी है। आपकी डेटर कोई नहीं है। हाँ वो कह रही मैं आपकी डेटर नहीं हूँ। ये तो लाइव इंसल्ट कर रही है मेरी। नहीं नहीं मैं सारी पिक्चर्स लेती हूँ अभी तो। मैंने फिर बस यहाँ पर आपकी दो से तीन जो है मैंने पिक्चर्स क्लिक की हैं। बहुत ही पुरसकून माहौल है, मुझे ये वाला इन्वायरमेंट बहुत बहुत पसंद है। अब हम एंटर होने वाले हैं फोर्ट्रेस केयर के अंदर।